हाय गाइस, आज के इस चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्टर क्रिप सूरी से, जिन्होंने रिसेंटली एंट्री ली है कलर्स टीवी के शो तेरे इश्क में घायल में। बातचीत के दौरान क्रिप ने बताई अपने रोल से जुड़ी कुछ खास बातें। तो मीन्स ये बेसिकली आपने ये फैंटेसी में पहले कुछ किया या दिस इज योर फर्स्ट इन फैंटेसी? Fantasy में you remember I did one show called Savitri, that was a fantasy but Savitri. Okay. जी 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 हाँ हाँ I did Savitri, वो हजार साल से एक लड़के के लिए जिंदा था. Okay. I did that. तो fantasy genre में मजा क्या है और challenges क्या है? Fantasy world में मजा ये है कि जो चीजें इस दुनिया में नहीं है उनको convincingly आपको believe करके उसको perform करना है. ओके. बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि नॉर्मल दुनिया में भेड़िया हमने आज तक कभी नहीं देखा. इंसान को भेड़िया बनकर कभी नहीं देखा, हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी. करेक्ट. हमने सिर्फ कहानियां देखी है. तो उसमें ये है कि अगर उस चीज को जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, ओके, उस चीज को पहले खुद पर खुद को बिलीव करना कि हाँ ये है. करेक्ट. उसको बिलीव करके उसको कन्विंसिंगली परफॉर्म करना ताकि ऑडियंस को भी यही लगे कि नहीं भाई ये होते हैं. ओके. ये दुनिया भी होती है. तो ऑफ कोर्स वो एक चैलेंजिंग थिंग नो. करेक्ट. या एंड पर्सनली डू यू बिलीव इन भेड़िया? आपका क्या पर्सनल राय क्या है? हर इंसान भेड़िया है दुनिया में. ओके. हर इंसान के अंदर भेड़िया है. ओके. कुछ लोग सही चीज के लिए अपने भेड़ियापन को यूज करते हैं, कुछ लोग गलत चीज के लिए करते हैं. ओके. इतना है, कहते हैं ना हर इंसान में रावण है. जी जी. करेक्ट. जी. कभी कभी कुछ लोगों में रावण भी राम बन जाता है और कभी कभी कुछ लोगों में राम भी रावण बन जाता है. सब इंसान की अपने आप पे करने पे डिपेंडेंट है. यस यस यस. तो लाइक मींस आपका लास्ट शो कौन सा था? जी, मेरा लास्ट शो था शुभ लाभ. ओके. और मैं अभी बेसिकली मोर इनटू ओटीटी. ओके. मेरी अब वेटिंग एक्चुअली मैं टीवी शो इसलिए नहीं लिया था टाइम क्योंकि मेरे तीन ओटीटी रेडी है रिलीज होने के लिए. ओके. बड़े बड़े तीनों बहुत बड़े. ओके. एक में इकबाल खान के साथ हूँ, किरण कुमार, इकबाल खान, निशान मल्तानी, और एक में मेरे साथ देवेंद्र भट्टाचार्य जी हैं. ओके. तो इसीलिए मैं टीवी काफी टाइम से ले नहीं रहा था. बट हाँ, आप काफी लंबा समय अगर मैंने ब्रेक दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे लोग भूल जाते हैं आपको. करेक्ट. तो जब तक वो रिलीज होंगे तब होंगे. तो पूरे पहुंचेंगे तो रीयूनियन विद ममता यश पटनायक. करेक्ट. क्योंकि आई ऑलरेडी वर्क विद देम फॉर साडा हक. करेक्ट. तो एंड इट्स अ यंगस्टर शो, व्हाई नॉट टू टेक इट एंड एंड ऑफ अ डे यू गेटिंग अ चांस टू अर्न मनी डूड. ट्रू. करेक्ट. हाँ करेक्ट. हमारे लिए बहुत जरूरी है. राइट. राइट. तो मीन ओटीटी और टीवी में मोटा मोटा क्या अंतर होता है अकॉर्डिंग टू यू? ओटीटी में यू हैव लिबर्टी. ओके. व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म देयर इज नो बाउंडेशंस, देयर इज नॉट लिमिटेशंस, यू नो व्हेन यू एज अ एक्टर व्हेन यू गेट अ चांस टू परफॉर्म ऑन ओटीटी बिकॉज़ टीवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. टीवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक दिन में
फास्ट काम कैसे करते हैं, तीन तीन तीस तीस मिनट का अगर फुटेज देना पड़ेगा तो कैसे देते हैं। करेक्ट। तो जब हम 30 मिनट की फुटेज दे सकते हैं और 20 मिनट की फुटेज दे सकते हैं तो फिर ओटीटी की बात आती है तो फिर हम उसमें स्पीड ऑफ वर्किंग थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आई बिलीव यू कैन डू वंडर्स व्हेन इट कम्स टू ओटीटी एंड फिल्म्स इफ यू आर गुड इफ यू आर इन टीवी। तो आल्सो एंड यस, इन शो में ऑलरेडी वी हैव करण कुंद्रा, कश्मीर महाजनी and big names, आपको वो स्क्रीन स्पेस मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं? मैं ले लूंगा सर। मैं ले लूंगा, वो मुझे मिले ना मिले, बट एज एन एक्टर मुझे इतना तो सीख ही लिया है कि आप हाउ टू स्टैंड आउट यू नो व्हेन देयर एक्टर्स एंड एवरीबॉडी बिग एक्टर्स इट्स ओके ओके चलता है, वो उनका अपना ऑरा लेके आए हैं, मैं अपना एक ऑरा लेकर आऊंगा। ओके। यहाँ पे किसी के साथ वो कंपटीशन नहीं लड़ना, मुझे अपना काम करना। ओके। मेरा सीन, वो सीन जो भी सीन होगा वो मेरा सीन नहीं होगा, वो हमारा सीन होगा। करेक्ट। बस उस सीन को हमारा बनाकर परफॉर्म करना है। और रही बात स्क्रीन प्रेजेंस स्क्रीन शेयरिंग की, तो उसका टेंशन नहीं होगा। अगर शो तक पहुंच गया हूँ तो स्क्रीन में भी अपने आप को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी चीजें हो जाएंगी। तो मीन्स लाइक ये आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, तो इंडस्ट्री में मोटा मोटा क्या बदलाव देखा है आपने? टीवी में बदलाव मतलब देयर इज नो बदलाव टीवी। अभी पहले हफ्ते में 5 दिन आता था टीवी डेली शो, अभी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, महीने में 30 दिन टेलीकास्ट होता है जी। तो बदलाव ये है कि थोड़ा सा कॉन्टेंट वाइज चीजें अभी ठीक हो रही है। करेक्ट। जैसे यही शो देख लीजिए आप, नॉर्मल लाइफ वाला शो नहीं है जी। तो मैंने इससे पहले भी विश करके एक शो आया था, मैंने वो किया जिसमें देवीना बैठा थी मेरे साथ। जी वो भी ऐसे ही था, उसमें मैं ऐसे कुछ फैंटेसी वाला था, आई थिंक आई फॉरगॉट, हां वो भी फैंटेसी वाला था, मैं आई वाज प्लेइंग अ सपेरा। जी जी। तो वहां कुछ लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट चल भी रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं भी चल रहे, बट जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। थोड़ा सा कंटेंट वाइज चीजें ठीक है, हर डेली शो में नॉर्मली अब तक हमने 7 बोग ही देखा है जी। लकीली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा, मैंने ऐसा कोई शो नहीं किया जिसमें 7 बोग वाला वो जोन रहा है, मैंने हम जो भी किरदार निभाए थे, मैंने कलर्स किया एक विश्वास बालाजी का, उसमें वो इंटेंस लव स्टोरी, लव स्टोरी आई डिड, टाटा हक आई डिड, महाराणा प्रताप आई डिड, सावित्री आई डिड, अजीत की सुप्रिया मोरे और जी टीवी। लकीली आई हैव नॉट डन सच शोज जहाँ पे मुझे आई थिंक मुझे ऊपर वाले की कृपा से हमेशा वो स्पेस मिला है। सो गाइस, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जस्ट शोबिज़।